एक्सरसाइज नंबर 12.1 फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है आपके सामने. आपसे कहा जा रहा है जी, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 3, 5, 7, 9. आपके पास एक पॉपुलेशन है, वो इन नंबर्स पे जो है वो बेस कर रही है. टेक द पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज एन. आपने जो सैम्पल साइज जो है वो क्या लेना है, सैम्पल साइज 2, और आपके पास नंबर्स कितने हैं 4. तो सैम्पल साइज 2 था तो स्मॉल एन 2 हो गया और कैपिटल एन आपके पास 4 हो गया. आपसे करने को क्या कहा जा रहा है कि विद रिप्लेसमेंट आपने सैम्पलिंग करनी है बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड एस केयर शो दैट. मतलब सिंपल पहले आपने मीन के मीन और वेरियंस निकालना और इसी तरह एस केयर का. फर्स्ट में आपसे कहता है कि आपने जो है वो अनबाइस एस्टिमेटेड की पॉपुलेशन मीन निकालनी है, ठीक है, और नेक्स्ट में कहता है बाइस एस्टिमेटेड. दोनों के फॉर्मूलास जो हैं वो क्वेश्चन में उसने गिवन दिए हैं. जस्ट यू हैव टू प्लॉट द वैल्यूज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले मीन है मेरे को ऐड थे, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे जी, आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है. तो समेशन एक्स मतलब इन एक्स का जमा, टोटल क्या आ रहा है इस एक्स का 24, ठीक है. तो मतलब 24 डिवाइडेड बाय 4, कैपिटल एन 4 था, आपके पास वैल्यू आ गई 6. नेक्स्ट आपको क्या रिक्वायर्ड है जी, वेरियंस. वेरियंस के लिए आपको समेशन एक्स स्केयर चाहिए. तो पहले हम एक्स स्केयर का कॉलम बना लेंगे. याद रखिएगा कभी भी डायरेक्ट इसका स्केयर नहीं लेना, हमेशा कॉलम पहले आपके पास बनेगा. 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49 एंड 9 9 81. इन सब वैल्यूज़ को आप कर लेंगे ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 164. सो 164 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 4 माइनस मीन. मीन कितना आपके पास आया जी, 6 6 का ले लेंगे स्केयर. 164 डिवाइड बाय 4, 6 6 36, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पर 1 होगा. इसका हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम. 164 1 4 4 होता है, तो 4 को ऊपर 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 36 आपके पास आ जाएगा 144. इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने पे आपके पास आएगा 20 20 डिवाइड बाय 4, आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेरियंस की 5. नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, हमें उनकी सैम्पलिंग करने का कहा जा रहा है. और सैम्पलिंग किसके अकॉर्डिंग करने का कहा जा रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट. तो विदाउट रिप्लेसमेंट जिस लाइक आपके पास नंबर्स हैं क्या क्या, आपके पास नंबर्स थे जी 3, 5, 7 एंड 9. ये 4 नंबर्स हैं, आपने इनकी करनी है सैम्पलिंग, ठीक है. सैम्पलिंग कैसे करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट. तो विद रिप्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर n, या इससे आपको पता लगेगा कि आपके पास कितने सैम्पल्स बनने हैं, ठीक है. विदाउट रिप्लेसमेंट ये है विद रिप्लेसमेंट का, और विदाउट रिप्लेसमेंट का आपके पास ये होता है n की पावर n. लेकिन अभी हमने विद रिप्लेसमेंट करना है, तो विद रिप्लेसमेंट कैपिटल n कितना है जी 4, स्मॉल n कितना है 2. मतलब 4 को 2 टाइम कर दें मल्टीप्लाई, 4 4 16. तो 16 सैम्पल्स में आपके पास तैयार होने चाहिए, ठीक है. कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 को सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ, और 3 को 9 के साथ. अब 3 को आपने सबके साथ कर लिया, इसी तरह 5 को आपने चारों के साथ करना है. 5 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ, 5 को 7 के साथ, 5 को 9 के साथ. इसी तरह 7 के लिए आपने वर्किंग करनी है, एंड सिमिलरली 9 के लिए. आपके पास सारे जब सैंपल्स तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मीन निकालना है. मीन कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड डिवाइडेड बाय एन. स्मॉल एन 2 था, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइड बाय 2 4. यहाँ पे आपने क्या करते जाना, सब नंबर्स का जो है वो मीन ले लेना. पहले दोनों नंबर्स को करना है आपने ऐड, ऐड करके कर देना है डिवाइड. नेक्स्ट मीन निकालेंगे, हमें एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए. नेक्स्ट एक्स स्केयर हमें कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर लेंगे, डिवाइड बाय एन कर देंगे. अब एन एक तो यहाँ पे आपने याद रखना है, एन आपके पास क्या है 4, क्योंकि 4 वैल्यूज़ थी, ठीक है. एन या आपके पास मशीन के लिए जो एन यूज़ होता है, ये वो एन है जितनी वैल्यूज़ हों उतने डिवाइड करना है, ठीक है. एन ये सैम्पलिंग वाला एन नहीं है. अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि एस स्केयर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, और इसका स्केयर भी. इसी तरह एक्स 1 कितना आपके पास 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 0, 0 का स्केयर लेंगे 0, डिवाइड बाय 4 0. 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2, माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी. सॉरी, 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो
वन वैल्यू, डिवाइड आपने फोर से करना है। इसी तरह सेवन माइनस थ्री कितना आ जाएगा, फोर, फोर का स्केयर लेंगे सिक्सटीन, सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर, फोर। इस तरह आपके पास सारी जो है आप वैल्यूज निकाल लोगे। सिंपल आपने क्या करना है, एक्स टू में से एक्स वन माइनस, उसका स्केयर डिवाइड बाय फोर। नेक्स्ट आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। आपके पास दो वैल्यूज आई थी, एक तो यहाँ पर आए आपके पास आया था जो मीन, ठीक है, दूसरा आया था एस स्केयर। आपने मीन में देख लेना है कि आपके पास जो है वो ग्रेटर नंबर जो है वो कौन सा आ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है। मीन जो आपने दोनों को ऐड करके निकाला है, ठीक है, वो नंबर आपके पास कहाँ से कहाँ तक थे, आपके पास वो नंबर आ रहे थे थ्री टू नाइन, ठीक है। थ्री टोटल नंबर कितनी दफ़ा आ रहा था आपके पास, वन टाइम। फोर डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है, टू टाइम, ठीक है। ये देखें फोर आपके पास डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है, टू टाइम, मतलब वन और टू। इसी तरह फाइव कितने टाइम आ रहा है, वन टू थ्री, ठीक है। तो आपने इनको जो है वो काउंट करके सिंपली लिखते जाना है कितनी कितनी दफ़ा ये नंबर्स आ रहे हैं। लिखने के बाद आपने इसका मीन निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला देखें आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर पी यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पर एफ पी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, समेशन एक्स बार, ठीक है, प्लस एफ एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालेंगे फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपके पास किसके इक्वल होगा, एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ आपके पास कितना आया, 16। तो वन बाय वन आपने सब नंबर्स को क्या करना है, 16 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। थ्री डिवाइड बाय 16, फोर डिवाइड बाय 16, थ्री ओवर 16। अब आपने इन दोनों को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को, ठीक है। जब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेशन आएगा, उसको हम वैल्यू में पुट कर देंगे। तो थ्री वन ज़ा थ्री डिवाइडेड बाय 16, फोर टू ज़ा एट डिवाइडेड बाय 16। वैल्यूज़ को सम करेंगे, 96 ओवर 16 आपके पास आ जाएगा। सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने नोट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने अब क्या करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। किसकी, सिंपल वेरिएंस की। सिंपल वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे नंबर आपके पास आए क्या हैं। 0, 1, 4, 9 चार नंबर आपके पास आ रहे थे। जीरो डाटा में टोटल कितनी दफ़ा आपके पास आया, फोर टाइम। वन कितनी टाइम आया, सिक्स टाइम। नेक्स्ट फोर भी फोर टाइम, और नाइन कितनी टाइम आया, टू टाइम। इन सब का कर लें टोटल। जिस तरह हमने लास्ट निकाला है, इसको भी उस तरह निकालेंगे। क्या करेंगे, एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। फोर ओवर 16, सिक्स ओवर 16, फोर ओवर 16, टू ओवर 16, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसका वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैम्पल वेरिएंस का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट हमने कौन सा निकाला है, पॉपुलेशन वेरिएंस, यहाँ पे सैम्पल वेरिएंस निकालेंगे। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और प्रॉपर्टी हमें बताएगी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। कुछ क्वेश्चन में इक्वल भी आएंगे। फर्स्ट कॉलम को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका समेशन ले लें। 0, 4 ज़ा 0 डिवाइड बाई 16, 0। 4, 4 ज़ा 16, 9, 2 ज़ा 18 डिवाइड बाई 16। इन तीनों नंबर्स को हम करते हैं ऐड, आपके पास आ जाएगा जी 40 ओवर 16। सो 40 ओवर 16 आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है आपको, 2.5। तो हम क्या कहेंगे, तो सैम्पल वेरियंस जो है वो इस बेस एस्टिमेटर ऑफ वेरियंस, यहाँ पर लिख लेते हैं, सैम्पल वेरिएंस जो है आपके पास इस बाइस एस्टिमेटर। ये बाइस एस्टिमेटर क्यों है जी, इसकी रीज़न ये है कि इसका जो मेन का आंसर था वो वेरिएंस के इक्वल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर फोर सी पार्ट, आपसे कहा जा रहा है कि सैम्पल साइज थ्री ले, मतलब स्मॉल एन आपने क्या लेना है जी, थ्री। फोर नंबर्स आपके पास गिवन है, पॉपुलेशन फोर हो गई। आपने सिंपल जो है मीन निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपको सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना, उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेस सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है,
इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, 11.1 सॉल्व मिलेगी, 11.2 भी सॉल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स है, 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, 16 वाला चैप्टर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एग्जांपल्स की वीडियोस मिलेंगी, इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो एकेडमी नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन ओनली 999 रुपीज। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 03234516277 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।